आपकी पेट की समस्या और टीयर कमर दर्द की समस्या गायब। अच्छा, पेट में तो कोई तकलीफ है नहीं? नहीं, अभी तो कोई तकलीफ। कड़कपन महसूस होता है हल्का सा अंदर? दर्द? हाँ अभी नहीं, वैसे कड़कपन हल्का सा अंदर, कड़कपन। हाँ, हाँ। क्योंकि अभी हल्का सा कड़कपन है। हाँ। और कमर में दर्द कब से? पेट फुलाइए अपना बाहर की तरफ। 2014 में अब अपना पेट फुलाइए बाहर की तरफ। ठीक है, नली बिल्कुल नहीं है, पेट सही है। गैस तो बनती नहीं होगी अब? कभी काल वो भी खाना अगर खा लिए तेल उल का। पेट के बल ये क्या खाते थे आप? तुलसी? तुलसी
तुलसी झरना होता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये हमारे बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, बहुत बेहतरीन भाई साहब। इन्होंने तुलसी का जर्दा, इन्होंने तुलसी का जर्दा खाते थे, ये तुलसी का जर्दा खाते थे, तो इनके अंदर इम्यूनिटी कम थी। तो क्या हुआ था कि इम्यूनिटी कम के कारण तुलसी के जर्दे ने इनकी जो सेक्रल में नर्व होती है वो नर्व हल्की सी ब्लॉक कर दी थी इनकी इम्यूनिटी कम होने के कारण, और वो थोड़ी सी सिकुड़ दी थी, श्रिंक कर दी थी, जिसके कारण इनके दोनों पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया था, जिसके कारण इनका आगे का सर्जरी करनी पड़ी थी। और अब फिलहाल में इनको डिस्क थी, तो वो डिस्क भी मुझे लगता है टियर हो गई थी, वो भी अभी ठीक हो जाएगी। इनको देखा, जब व्यक्ति के अंदर किसी चीज की कमी होती है या उसमें कोई तकलीफ होती है तो हम जो टॉपफिंगर ट्रीटमेंट देते हैं, टच करते ही बहुत भयंकर दर्द करता है। जैसे जैसे टॉपफिंगर में दर्द खत्म होता जाएगा और व्यक्ति वैसे 100% ठीक होता चला जाएगा, 100%। अंग्रेजी दवाई आप कम से कम खाइए, बहुत कम से कम खाइए। मुझे लगता है अंग्रेजी दवाई शायद ना ही खाइए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड पतला होने के लिए खाना पड़ेगा ब्लड पतला करने के, और ये लाइफ लॉन्ग है। एलोपैथी जो है वो इमरजेंसी है और पुरानी बीमारियों के लिए नहीं है। आप एलोपैथी खाते हैं वो चल जाएगा, लेकिन एलोपैथी लॉन्ग टाइम खाओगे या लाइफ टाइम खाओगे या जब तक जिंदे रहोगे जब तक आप एलोपैथी मेडिसिन खाओगे वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपको जिंदगी भर साइड इफेक्ट देगा। तो इसलिए इन साइड इफेक्ट से बचना है तो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट आप, मुझे लगता है जो 100% स्वस्थ है, 101%, जिसको जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो भी मुझे लगता है कि महीने में 5 दिन उसको भी जरूर ट्रीटमेंट कराना चाहिए।